हेलो डियर, हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ही अचीवमेंट इन ऑल नाम के चैनल में। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। सुबह के अभी लगभग 9:30 बजे हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आज है 15 सितंबर। थोड़ा लेट ब्लॉग जा रहा है डियर, वो आपको आगे पता चल जाएगा क्यों। 15 सितंबर है आज और इतनी तेज़ बारिश हुई और ये कपड़ा देख रहे हैं मम्मी खुद डाल कर गई है। आज मम्मी ऑपरेशन के लिए रूबन निकल चुकी है, बिल्कुल मेरा मन भारी है। मैंने अपने हस्बैंड भाई दोनों को नाश्ता करा दिया है, मम्मी को तो कुछ भी नहीं खाना पीना था, वो भूखी गई है तो वो निकल गई है। और मैंने जो मेरे यहाँ निशा आती है, उनकी बेटी का तबीयत ख़राब था तो वो काम करने तो नहीं आती थी, लेकिन मैंने कहा था निशा आप मुझे कल थोड़ा सा फूल दीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने फूल मंगाया है और भगवान का पूजा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फूल भगवान को चढ़ाया और मन बिल्कुल भी उदास है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ जिस तरह से गई है भगवान, सब कुछ सक्सेस हो जाए और मेरी माँ ठीक होकर वापस आ जाए। पूजा करने के बाद, यहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी, वहाँ पूजा करूँगी। बाबू का ऑनलाइन क्लास हो गया है और एक मिस्टेक मेरा पीछे हो गया, 9:30 बज रहे हैं, नहीं 12:30 बज रहे हैं डियर, 9:30 मेरे से गलती से बोला गया, क्योंकि मैं सुबह से जब मम्मी के जाने के बाद मैंने स्नान वगैरह कुछ नहीं किया था। बाबू का ऑनलाइन क्लास हो गया, क्लास ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने ड्रेस भी नहीं बाबू का चेंज किया है, वो नीचे में बैठ के इस तरह से अपना खेल रहा है आप देखेंगे। और पूरा अंधेरा है क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर तो थोड़ी रोशनी भी थी, मैंने इसका ड्रेस भी नहीं चेंज किया है। और फिर मैं नहा कर पूजा करने आ गई, जब बोला गया मुझे कि मम्मी ओटी में चली गई, और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं यूँ ही इस तरह से बैठी रही, कुछ भी नहीं खाया पिया। बाबू को किसी तरह बॉर्नविटा पिला दिया मैंने, उसको भी इसी तरह से, मतलब मैं उसका भी सुबह से केयर नहीं कर पा रही हूँ, उन लोगों को जो नाश्ता करा के भेजा। देखिए पेट तो एक ऐसा चीज़ है कि मैं नहीं खाऊंगी और जबकि मुझे पता है मैं भी बीमार हो जाऊंगी, लेकिन अब भाई जा रहा है तो उसको मैं भूखा भेज नहीं सकती हूँ, हस्बैंड जा रहे हैं और क्या, औरत को बहुत कुछ मन में दबाना होता है, उन लोगों को ये चीज़ नहीं कह सकती ना। वो लोग तो ये सोच रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी यही बोल के गुस्सा रहे थे, मम्मी का तो और कल्याण होने जा रहा है, ऑपरेशन हो जाएगा, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरी माँ है ना, मुझे लगता है कि वो क्या है मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो ठीक होके आ जाए। तो यहाँ पर मेरा दाल बन गया है और सब्जी के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में मम्मी को लेकर जाने के बाद और जब फ़ोन आ गया, 1:27 में फ़ोन आया मेरे भाई का कि ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मम्मी को होश नहीं आया है। तब मैं किचन में आई हूँ कि अब तो होश आने के बाद एक एक करके सब खाने आएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे। तब मैंने किसी तरह से दाल चढ़ाया और यहाँ पे मैं आलू कद्दू का सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था किस चीज़ का बनाऊँ, कुछ सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा नहीं थी और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग समझ सकते हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रहा था। तो मैं यहाँ पर आलू भी कट कर लूँगी, कद्दू भी कट कर लूँगी और इसी में टमाटर वगैरह डाल के कुकर में डाल दूँगी। और अभी जो मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी, अभी भी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मम्मी को किस तरह से क्या होगा, क्या किया होगा। मैं यूट्यूब वगैरह पे देखती हूँ किस तरह से ऑपरेशन होता है, लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं पूरा देखूँ, सिर्फ थंबनेल देखकर ही इमेजिन करती हूँ। और मतलब मेरी माँ है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब देखिए सास इस तरह से परेशानी में है, अब माँ, आज मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है। मतलब मैं ये सब वीडियो भी बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझेंगे कि इतनी दूरी है ब्लॉगिंग चैनल से क्यों नहीं वीडियो आता है। और जब लगातार नहीं आया तो आप समझ लीजिए, आपको मैंने 9 तारीख को तीज हुआ था, 10 नहीं 11 का मैंने दिखाया था और 11-12 का दिखाया था, 13-14 मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मुझे पता चला कि मम्मी का ऑपरेशन होना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिकॉर्डिंग करूं, क्या बोलूं। कुछ लोग तो आके बोलते भी हैं, अपना धैर्य दिखाते हैं, लेकिन मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि आप लोगों को कुछ बोलूं, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था यहाँ पर। और मम्मी को भी मैं डरा हुआ देखती थी, सुस्त देखती थी, तो यहाँ पर मैंने चना का दाल भिंगो कर रखा था, रात में ही, रात में नहीं दिया था, 1 घंटे पहले दिया था, मुझे तो ये भी याद नहीं है मैंने कब दिया था। और कुकर में यहाँ मैं चने का दाल, आलू कद्दू और टमाटर, नमक, हल्दी, हींग, तेजपात सारा चीज़ डाल दूँगी। मैंने तो नहीं खाया था ये खाना, खाया ही नहीं गया था। लगभग 2:30 बजे 3 बजे के आसपास मम्मी को होश आया था और 3:30 बजे 4 बजे तक मेरे हस्बैंड आए थे, वो खा कर गए, फिर मेरा भाई आया, यानी यही खाना शाम तक चला। उसके बाद फिर मैं अस्पताल गई, फिर वहाँ से आई तो रात का खाना बनाया, फिर मेरे हस्बैंड खा कर गए 12 बजे, फिर मेरा भाई आया वो खा कर गया, फिर मेरे हस्बैंड, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। मैं भी वहाँ गई थी, मम्मी को तो जो खाना मिलता वहीं से मिलता, तो इस तरह करके अभी तक जो मैं खाना बना रही हूँ, मैं बिल्कुल
उदास हूँ कि बस मम्मी को होश आ जाए और दाल बन गया किसी तरह मैं सब्जी चढ़ा दूँगी। किसी भी तरह मैं ये सब कर रही हूँ और बहुत तकलीफ़ में हूँ डियर। बस अब देखती हूँ आगे आप लोगों से कब मिलती हूँ, लेकिन उम्मीद यही है मैं बिल्कुल हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ कर आगे बढ़ती हूँ। उम्मीद है कि मेरी माँ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, अदरवाइज़ उसको इतना कष्ट था, इतना परेशान हो जाती थी कि आप समझ सकते हैं कि बेटी हूँ मैं यहाँ पर हूँ, मेरी दीदी पूर्णिया में रहती है, मेरा भाई यहाँ रह के पढ़ता है। वो जब परेशान हो जाती थी कुछ भी हल्का खाती थी, और जब उल्टी होना शुरू होता था, पेट में दर्द होना, और जब से माँ के मेरी सास के साथ ऐसा परेशानी हुआ, गॉल ब्लेडर में उनको परेशानी हुआ, और उसके बाद जब डॉक्टर ने उनको बड़े बड़े रोगों का नाम बताना शुरू कर दिया तो और भी डर गई कि अब क्या होगा, मेरी माँ के साथ भी यही होगा, क्या होगा, देखिए आगे क्या होता है डियर, इस पर क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है गैस पर सब्जी को, दाल बन गया है, चावल तो मैं किसी भी समय बना लूँगी, और सारे स्लैब्स को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि निशा को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, निशा अगर माँ का तबीयत, आपकी बेटी का तबीयत ठीक हो गया निशा, तो प्लीज़ आप मेरा हेल्प करने आइए। निशा मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कल मेरी माँ घर आ जाएगी, उम्मीद ऐसा मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगले दिन आ गए थे, तो मैं माँ का केयर करूँगी, आप थोड़ा सा घर देखिएगा निशा। तो मैंने निशा से रिक्वेस्ट किया डियर, देखती हूँ वो कल आती है या नहीं, नहीं तो मुझे तो दोनों तरफ देखना होगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया है सारा काम, बस चावल बनाना बचा है, दाल सब्जी बन गया है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा डियर, आप लोग अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। आप लोगों से बात करके मन बहुत बहलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ जो काम करने के दौरान मैंने सारा बर्तन धो लिया था, तो उन सारे बर्तन को मैं लगा कर रख दूँगी, जिससे कि पूरा मेरा काम कंप्लीट हो जाए। किचन में मैं जब घुसती हूँ तो मैं पूरा काम कंप्लीट करके ही निकलती हूँ। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? अभी भी उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। एक मैं तो ईश्वर से यही कहती हूँ कि हे मुरलीधर, हे गिरिवर, हे मुरलीधर, हे गिरिधारी, तेरी कैसी लीला भारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो हर एक जीवन पर भारी है। आगे क्या सोचा है, क्या करना है, किस लिए ऐसी तैयारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो हर एक जीवन पर भारी है। मैं सबके लिए ये बात ईश्वर से बोलना चाहूँगी। आज तो 15 सितंबर है, शुरू से मैंने बताया आप लोगों को, काफ़ी उदास हूँ, और अगर लाइव होती या आप लोग कमेंट्स करते रहते लाइव के दौरान तो मैं तो अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती, लेकिन मैं रोऊँगी नहीं। बस धैर्य से इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, देखते रहना चाहिए क्या कुछ हो सकता है आपके साथ, कितना कुछ हो सकता है। मैं तो बस यही अब देखते जा रही हूँ, आप समझ सकते हैं। लोग कहता है कि आप सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, सास ससुर से प्यार करिए, माँ बाप से बढ़ के सास ससुर होता है, चलो बहन से बढ़ के मैके के परिवार से बढ़ के ससुराल का परिवार होता है, पति का केयर करना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने मेरे किसी परिवार को नहीं छोड़ा है। आप देख रहे हैं जनवरी में जिस तरह की पहला झटका लगा, मेरी सासू माँ बीमार हुई। 2020 तो सबके लिए दुखदायी था, सबके लिए, कितनों का परिजन बिछड़ा। और मुझे लगता है जिस तरह कोरोना आया और अचानक लोगों की डेथ हो गई, तो एक ये होता है कि चलो कोरोना हो गया, सबके लिए ये था, लेकिन अब देखिए कि ये लगातार इस तरह से चलते आ रहा है। 2020 तो सबके लिए था ही जहर, 2021 मेरे लिए पर्सनल ऐसा हुआ कि जनवरी में माँ के बारे में पता चला, माँ को वो असाध्य बीमारी डॉक्टर ने बता दिया कि अब वही बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई है, और वही बीमारी उनको मृत्यु लोक तक लेकर जाएगी। इसके पहले माँ का वो बीमारी साथ छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग तबाह हो चुके हैं, इतना पैसा दे चुके हैं मुंबई के अस्पताल में, अब वो वापिस आना चाहती हैं। दुर्गा पूजा है और हम लोग सारे परिवार एक, मेरा परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई ननद नहीं है अभी, मुझे ननद की कमी बहुत खल रही है। ननद रहती तो धैर्य दिलाती, मेरी शादी का अभी 10 साल नहीं हुआ है, 8 साल नहीं हुआ है, 6-7 साल शादी का हुआ है, मैंने कुछ भी समाज में नहीं समझा है। शादी हुई तो पति के साथ ही दिल्ली में, फिर पटना रह रही हूँ मैं। सास बहुत अच्छी थी, उनको लगता कि कोई नहीं सोचता है किसके साथ कब क्या होना है। तो अब आप समझिए मैं बड़ी हूँ, देवर की शादी हुई है, देवरानी मुंबई में रहती है, हम लोग सब आपस में चर्चा करते हैं कि दुर्गा पूजा में
जो घर में पूजा पाठ होगा, जो तैयारी होगी, अगर शेयर कर पाए तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पिछला भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें तो माँ बीमार भी नहीं थी, अष्टमी का पूजा मैंने दिखाया था, मेरी सासू माँ कितना अच्छा से करती है। तो हम लोग सब यही तैयारी करके रखे हैं कि माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, उनको कुछ ऐसा दिक्कत हो गया है जो कि उनके लिए जानलेवा है। तो हम लोग बिल्कुल उसी तरह से तैयारी के साथ घर जाएंगे माँ पहले, ऐसा अभी प्लान है कि पटना आएंगे फिर हम लोग भागलपुर के लिए निकलेंगे, और देखते हैं ईश्वर कब तक उनको हम लोगों के साथ रखते हैं। ईश्वर की दया हुई तो वो तो 10-20 साल रह सकती हैं, पता नहीं क्या लिखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा विचलित हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड समझाते हैं कि देखो धैर्य रखो, क्या कुछ होता है देखो। तो जनवरी में माँ के साथ ऐसा हुआ, उनका इलाज चलता रहा और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे बेटे का इतना तबीयत ख़राब हुआ, एक बार नहीं दो बार मेरा फिर ऐसा हुआ। अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं दो डॉक्टर का दवाई खा रही हूँ, एक शांति जहाँ हैं पटना में, आप लोग जानते होंगे, शांति राय हैं आप लोग जानते होंगे, और एक ENT स्पेशलिस्ट हैं पटना में, सबसे द बेस्ट डॉक्टर हैं सचिदानंद सिन्हा। उन दोनों का इलाज मैं, मतलब दो बीमारियों का दवाई खा रही हूँ, आप समझ सकते हैं। अभी 2:30 बज गया, अभी मैं खाना चढ़ाने गई हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा भाई रूबन में बैठा हुआ है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है अभी, उनको उसको होश नहीं आया है, दिल और दिमाग वहीं लगा है। मैंने सोच लिया था कि ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा तभी मैं किचन घुसूंगी, खाना में लगूंगी, मन भारी है, ईश्वर का पूजा किया। ईश्वर को भी अब मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर है, क्योंकि मेरी सास इतना पूजा करती थी। अभी आपको मैं बता दूँ, मुंबई में गणपति विसर्जन 2 दिनों से चल रहा है, अभी भी वो बताई हैं मुझे, वो जो देखने गई थी हमारी जो कुल देवता है बन्नी माँ, उनके लिए वो 3,000 का चुंदरी, उनके लिए वो माला, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको ये पता नहीं है कहाँ ईश्वर है, कहाँ उनका किसी ईश्वर ने सुना। वो सोना चांदी अपना भी खोल कर भगवान को पहना देती थी, आप समझिए, आप देखिए उनकी क्या स्थिति है। तो अभी तो मैं खाना, अभी आपने देखा, अभी किचन में सीटी भी दे रहा है कुकर में, जो काम करने आती थी मैंने हेल्पर रखा था, जब घर में परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि परेशानी है तो मैं रख लेती हूँ थोड़ा सा हेल्प के लिए। तो अभी मम्मी का ऑपरेशन था तो मैंने रख लिया था, तो उनकी बेटी का भी तबीयत ख़राब हो गया था तो मैंने उनको छुट्टी दे दिया था, क्योंकि किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब है उसकी माँ से मैं काम करवा नहीं सकती हूँ। मेरा दिल मन बहुत अच्छा है, इसीलिए हो सकता है भगवान मुझे इतना परेशान करते हैं। लेकिन आज वो आई थी, उनको लगा, निशा उनका नाम है, उनको लगा कि इनकी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो ये किसी को रख लेंगी, तो हड़बड़ा कर वो आई थी। तो मैंने कहा नहीं निशा, मैंने किसी को नहीं रखा है, आप कल से आइएगा, 10 दिन मुझे संभाल दीजिए, फिर मैं घर चली जाऊँगी, तो कल से फिर निशा आएगी। तो अभी दाल तो हो गया है, सब्जी में सीटी दे रहा, कुछ भी बना समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या बनाओ क्या नहीं, जब तक कि मम्मी को होश नहीं आ जाता है। लेकिन बाकी भी तो 2-4 लोग हैं जो खाना खाएंगे, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद मैं अस्पताल के लिए निकलूँगी। तो अब देखती हूँ, अगर आगे निकल पाती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मैं कभी भी किसी वीडियो में बहुत बचती हूँ इन सब चीज़ों को, देखिएगा आप लोग, 5-10 दिन तक मेरा वीडियो नहीं आता है, क्योंकि जब मैं ज़्यादा परेशानी में पड़ जाता हूँ मुझे लगता है ये दुख का चीज़ क्यों शेयर करूँ। मैं बिल्कुल हंसने वाली हूँ, खुश रहती हूँ, अच्छा अच्छा शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन फिर लगता है, अभी जैसे मेरा बाबू सो गया, ऑनलाइन क्लास हुआ, उसको मैंने बॉर्नविटा पिलाया और वो सो गया, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अब घर में कोई नहीं है, भाई बोल दिया दीदी बार बार फ़ोन नहीं करना, मैं भी परेशान कर रही हूँ, मेरी दीदी भी पूर्णिया बार बार फ़ोन करके परेशान करते, बोला दीदी अभी रुक जाओ, जो भी होगा मम्मी आएगी तो मैं ज़रूर तुम लोगों को वीडियो कॉल करूँगा, बताऊँगा। तो फिर मन नहीं लगा तो आप लोगों से बात करने बैठ गई, इसीलिए नहीं तो मैं ये पल मैं शेयर करना नहीं चाहती हूँ आप लोगों के साथ।